जिन साथियों, आज हम कुछ रेल परिवहन पढ़ रहे थे। रेल परिवहन कोई क्वेश्चन बच गए थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो रेल परिवहन हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो रेल परिवहन में हमने जोन पढ़ा है। वह क्या पढ़ा है रेल परिवहन में? तो रेल परिवहन में हमने जोन देखा है, कौन कौन से कहाँ जोन है। तो जोन कितने हमारे भारत में? 18 जोन है टोटल। नवीनतम जोन कौन सा है? 18वां। तो दक्षिण तटीय जोन है। कौन सा है? दक्षिण तटीय जोन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर जोन पढ़ा था। उसके बाद हमने मेट्रो पढ़ा, उसके बाद हमने कोकण, कोकण रेलवे पढ़ा। उसके बारे में जाना कि ये कहाँ पे है। ये पश्चिमी तट पे है, भारत के पश्चिमी तट पे है। और कितना किलोमीटर है? तो 760 किलोमीटर है। ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में फैला हुआ संयुक्त है। इसमें जो रेलवे का है उसका 51% शेयर है, और जो बाकी के शेयर उपक्रम है 4 राज्यों का है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? इसमें महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। अभी तक 3 राज्यों में बन चुका है और केरल में भी बनना बाकी है। इसके बाद इसके भी चर्चा की थी हमने, कोकण रेलवे जो इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो निर्माण करने वाला कौन थे? श्रीधर इंजीनियर थे, श्रीधरन। इनको मेट्रोमैन भी कहा जाता है। किसको? श्रीधरन को, ठीक है। कोकण रेलवे पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कोलकाता जोन, कोलकाता मेट्रो, कलकत्ता या तो कोलकाता बोलते हैं, कलकत्ता मेट्रो पढ़े थे। इसके बारे में कलकत्ता मेट्रो के बारे में पढ़े थे। कोलकाता मेट्रो जो 16वां जोन था, ठीक है। कहाँ पे? ये कोलकाता में ही है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये दमदम से हालीगंज तक चला था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और ये कोलकाता मेट्रो जो है रेलवे विभाग का ही ट्रेन है, ना कि इसमें किसी अन्य कंपनी निगम का द्वारा है। किसका है? रेल भारतीय रेलवे का ही है ट्रेन, मेट्रो ट्रेन है कोलकाता। बाकी जैसे दिल्ली हो गया है, बेंगलोर मेट्रो हो गया है, बेंगलोर वाला हो गया है, मुंबई मेट्रो, ये इसमें क्या है? प्राइवेट कंपनियां, या भी बाहरी देश की कंपनियां यहाँ पे एंटर करी हुई है, उनका ही निर्माण कर, मतलब निगम द्वारा चालू किया जाना है। जैसे दिल्ली मेट्रो ट्रेन जापान और कोरिया की कंपनियां बना रही है, बेंगलोर और जापान की कंपनियां बना रही है, तो ये बाहर की कंपनियां बना रही है। ये इसमें रेल जो भारतीय रेलवे है उसमें कोई इसमें शेयर नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा की थी हम। अब हम देखते हैं कि जैसे कोई फैक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात करते हैं हम। तो विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात करते हैं, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन, ये विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। कहां से कहां तक है ये विश्व का सबसे लंबा मार्ग है? कैसा है? विश्व का सबसे लंबा मार्ग है, रेल मार्ग, रेल मार्ग है, ठीक है। तो कहां से कहां तक है ट्रांस साइबेरियन? तो ये है ब्लाडा वोस्टोक, ब्लाडा वोस्टोक से है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये? तो सेंट बर्ग तक का ये रास्ता है। तो कैसा ये ट्रांस साइबेरियन जो विश्व का सबसे रेलवे मार्ग है, ठीक है। और सेकंड कभी विश्व में पूछे तो कनाडियन, ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग है। अब बात करते हैं भारत में, ठीक है। तो किसकी बात करते हैं? विश्व की सबसे लंबी, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा कौन से? ट्रांस साइबेरियन रेल
रेल मार्ग है, सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? तो यहां हम देखते हैं ट्रांस साइबेरियन, साइबेरियन रेल मार्ग, क्या है? रेल मार्ग, जो कैसा है? विश्व का सबसे लंबा मार्ग है। कैसा है? विश्व का सबसे लंबा मार्ग, विश्व का सबसे लंबा मार्ग है। अब कहां से कहां तक का है? तो ये है ब्लाडी वोस्टोक, वोस्टोक से लेके कहां तक है? तो ये है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग तक है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे लंबा मार्ग है, ठीक है। कभी सेकंड बोले, विश्व का सबसे सेकंड रेल मार्ग कौन सा है? तो सेकंड है हमारा ट्रांस कनाडियन कनाडियन रेल मार्ग, ठीक है। ये विश्व का सबसे सेकंड रेल मार्ग है, ठीक है। यदि पूछता है, अब भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा, यदि पूछता है कौन सा जोन है, तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है, सबसे बड़ा रेल मार्ग पूछता है, या फिर भारत में विश्व में कौन से स्थान पर रखता नेटवर्क में, रेल नेटवर्क में या तंत्र में, रेल तंत्र में, विश्व में, है ना, कहाँ पे? विश्व की बात करते हैं, वर्ल्ड में भारत कौन सा स्थान रखता है रेल तंत्र में, नेटवर्क में कितना फैला हुआ है? तो भारत विश्व में स्थान रखता है हमारा तीसरे स्थान पर रखता है, स्थान किसमें? रेल विभाग में, मतलब रेल तंत्र में। सबसे ज्यादा रेल कहाँ चलती है तो विश्व में? वो है फर्स्ट स्थान पे यूएसए है, कौन सा है? यूएसए है विश्व में। और भारत किसने कौन से स्थान पे है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे है, ठीक है। किसमें? रेल तंत्र में, मतलब रेल सबसे ज्यादा पीछे कहाँ गई है, मतलब रेल चलती है, तो सबसे ज्यादा रेल तंत्र बोले तो यूएसए का आता है। यदि एशिया की बात करें, कहाँ पे? एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा रेल कहाँ पे? तो भारत में फर्स्ट स्थान रखता है भारत, एशिया की बात करें तो, ठीक है। तो कौन सा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ब्लाडी से वोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक का ये है, ठीक है। सेकंड की बात करें तो ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग है, कनाडियन रेल मार्ग है। यदि वर्ल्ड की बात करें रेल तंत्र की, तो नेटवर्क भारत में, भारत का वर्ल्ड तीसरे स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे यूएसए रखता है। यदि एशिया की बात करें तो फर्स्ट स्थान पे रखते हैं अपन, ठीक है। यदि और बात करें हम भारत में, तो भारत की बात करें तो सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग हमारे यहाँ कौन सा है? तो हुगली रेल मार्ग, ठीक है, सबसे बड़ा रेल मार्ग, ठीक है। कौन सा? हुगली। पहले कौन था? गोरखपुर सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा था हमारा? तो हमारा सबसे बड़ा प्लेटफार्म हुगली था, और पहले गोरखपुर था, अब उसका स्थान किसने ले लिया? हुगली, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ये भारत का सबसे बड़ा है हुगली रेल मार्ग, ठीक है। यदि रेल जंक्शन का बोलते हैं तो हावड़ा जंक्शन है, कौन सा रेल जंक्शन? सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ पे है भारत में? तो हावड़ा है, हावड़ा जंक्शन, कौन सा है? हावड़ा जंक्शन, ठीक है। ये है भारत कुछ प्रमुख। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रेनें हैं जो भारत में सबसे ज्यादा गतिमान चलने वाली, ठीक। तो सबसे ज्यादा भारत में सबसे तेज चलने वाली यदि बात करें रेल की, तो सबसे ज्यादा तेज कौन सी चलती है हमारे यहाँ भारत में? तो वंदे भारत है ट्रेन सबसे तेज चलने वाली भारत में, कौन सी है भारत में सबसे तेज? वंदे भारत
फिर ये वंदे भारत रेलें जो सबसे तेज चलती है भारत में, सबसे तेज चलने वाली है। ठीक है, कितने किलोमीटर हर पे चलती है? तो इसको ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। इसको क्या क्या कहा जाता है? T-18 कहा जाता है, क्योंकि 2018 में चली थी इसलिए T-18 कहा जाता है। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन अब भारत में कुल 4 चल रही है, तो वंदे भारत ट्रेन सबसे तेज चलने वाली है। कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली। यदि सेकंड की बात करें, सबसे सेकंड सेकंड में सबसे तेज चलने वाली, तो वो गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। यदि इसमें हम ही बात करें रेल ना बल्कि एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस या गतिमान एक्सप्रेस ये कितने घंटे प्रति हर घंटे? 160 किलोमीटर। पहले सबसे पहले यही थी सबसे तेज चलने वाली भारत में, गतिमान थी, अब सेकंड नंबर पे हो गई है सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, सबसे तेज चलती है भारत में, ठीक है। यदि सेकंड इसलिए कौन कितने घंटे प्रति हाँ से चलती है, तो 180 किलोमीटर प्रति हाथ से चलती है। टी इसको T-18 कहा जाता है, क्योंकि 2018 में आई थी इसलिए T-18 कहा जाता है। सबसे तेज यदि सेकंड नंबर की बात करें, तो वह गतिमान एक्सप्रेस है। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक है, अब हमारी ट्रेन के बारे में चर्चा हुई है, उसके अब हम देखते हैं वायु परिवहन की बात करते हैं। तो वायु परिवहन दो प्रकार से चलता है हमारे भारत में, आंतरिक और बाह्य परिवहन चलता है। कौन सा? आंतरिक जो झीलों नदियों और नहरों के माध्यम से ट्रांजिशन होता है वो उसको बोलते हैं आंतरिक। जो बाह्य रहता है, जो 13 प्रमुख बंदरगाहें हैं उनके माध्यम से ट्रांसफर होता है, उसको जल आंतरिक परिवहन बोलते हैं, सॉरी बाह्य परिवहन बोलते हैं। ठीक है, हम अब जल परिवहन देखेंगे। जल परिवहन कहाँ कहाँ क्या है इसके बात करेंगे। जल परिवहन, तो जल परिवहन भारत में कुल 6 है, ऐसे तो 5 बन के तैयार हो चुके हैं, छठा अभी निर्माण है, घोषित किया गया है, निर्माण अभी हुआ नहीं है, तो टोटल फिर भी 6 है हमारे यहाँ नेशनल वाटर एनवे। तो हम देखते हैं, क्या देख रहे थे? वायु परिवहन, सॉरी जल परिवहन। जल परिवहन की बात करें, ये दो प्रकार क्या है, कौन कौन सा है? तो दो प्रकार का है, एक आंतरिक परिवहन और एक बाह्य परिवहन। ठीक है, तो आंतरिक परिवहन क्या होता है? तो आंतरिक परिवहन जिसमें नदी या झीलों या नहरों के माध्यम से संबंधित हो या उस पर आधारित हो, जिसमें क्या होता है, नदियाँ हो गई नदियों के माध्यम से, या फिर नहरों के माध्यम से, या फिर झीलों के माध्यम से, झीलों पे आधारित हो। ठीक है, आधारित हो परिवहन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आंतरिक परिवहन। ठीक है, अब बाह्य परिवहन क्या बोलता है? बाह्य परिवहन जिसमें 13 प्रमुख बंदरगाह होते हैं, इंटरनेशनल बंदरगाहों या फिर सागरीय संबंधित होता है। किसे? ये सागरीय से संबंधित है। मतलब सागरीय संबंधित है, जिसमें महासागर, सागर, ऐसे अरब सागर हो गया, बंगाल खाड़ी हो गए, ऐसे संबंधित रहते हैं। किससे? सागरीय होता है। कैसा होता है? सागरीय होता है। तो भारत में कुल कितने नेशनल हाई वाटर है? तो NVA या फिर नेशनल वाटर इसको बोल सकते हैं, NW नेशनल वाटर। ठीक है, या फिर NWYY बोल सकते हैं, WW भी लिख सकते हैं, रेलवे बोलते हैं, पर एक ही हम लिख रहे हैं। तो टोटल भारत में कितने हैं नेशनल वाटर? तो भारत में कुल 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं।
तो उसमें से 5 निर्माण हो चुका है और एक का निर्माण चल रहा है, मतलब निर्माण अभी हुआ नहीं है। तो टोटल कितने हैं? 6 है, 5 का निर्माण हो चुका है और इसका अभी बाकी है। असम का है, काम चल रहा है इसका। तो भारत में कितने हैं टोटल? तो 6 है नेशनल वाटर। अब देखते हैं नेशनल वाटर भारत में पहला कौन सा था। तो पहला नेशनल वाटर था गंगा नदी पे बनाया गया था, प्रयागराज या इलाहाबाद से। कहाँ से बनाया गया था? प्रयागराज इलाहाबाद से। कहाँ से? तो नदी पे, ये नेशनल वाटर नदियों का ही है। कौन सा? आंतरिक परिवहन देख रहे, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं आंतरिक परिवहन। तो ये है हमारी नदी, कौन सी? गंगा नदी, ठीक है, ये गंगा नदी है हमारी। तो ये यहाँ गंगा नदी निकली है गंगोत्री से। तो इस यहाँ पे इलाहाबाद है हमारा, तो समझिए हम में इलाहाबाद दिख रहा हूँ। तो इलाहाबाद या प्रयागराज से, इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है, उसी को प्रयागराज भी बोलते हैं। प्रयागराज से हुगली, यहाँ पे हुगली नदी है, तो हुगली तक है। ठीक है, तो नेशनल वाटर वन कौन सा है? ये नेशनल वाटर वन है, नेशनल वाटर वन। कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये गंगा नदी की वितरिका है, उसी पे बना हुआ है। ठीक है, तो नेशनल वाटर वन है कहाँ तक है? हुगली के पास में है, हुगली नदी के पास में है सर, हल्दिया तक। कहाँ पे? हल्दिया। कौन से है? हल्दिया, ये हुगली नदी के तट पे स्थित है। हुगली नदी कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, उसी के पास है। तो कौन कौन सी नदी है यदि नदी की बात करें? तो इसमें नदी है भागीरथी नदी भी है, गंगा नदी भी है, हुगली नदी भी, तीन नदियां हैं इसमें। कौन कौन सी नदी है? गंगा नदी है, उसके बाद बात करें हम भागीरथी नदी भी मिली है, भागीरथी नदी कहते हैं, फिर उसके बाद में हुगली नदी, तीन नदियों का, तीन नदियों पर बना हुआ है ये नेशनल। कब बना? तो ये उसके कितना किलोमीटर है? तो 1620 वर्ग किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर। ये नेशनल वाटर वन भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर है। कैसा है? सबसे लंबा नेशनल वाटर है। कैसा है? भारत का सबसे लंबा राउंड, सबसे लंबा है। ठीक है, कहाँ से है? प्रयागराज या इलाहाबाद से है, ये जो यूपी में पड़ता है, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल बोलते हैं। कब बना था? तो ये अक्टूबर में बना था 1998 में। ठीक है, कब बना था? 1998 में, सॉरी 1986 में, 1986 में बना था अक्टूबर, 1986 में बना था। 1620 किलोमीटर है। कितना? 1620 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, सॉरी नेशनल वाटर है, सबसे लंबा नेशनल वाटर है। कौन सा? वन। कौन, कितनी नदियों पर बना हुआ? तीन नदियों पर, गंगा नदी, भागीरथी और हुगली नदी। कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज से इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, नेशनल वाटर सेकंड की बात करते हैं हम। तो नेशनल वाटर सेकंड की बात करते हैं हम, तो नेशनल वाटर सेकंड हम बात कर रहे हैं जो बर्मा नदी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? बर्मा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे, धुबरी से हल्दिया तक, धुबरी से सादिया तक। कहाँ पे है? तो सादिया से धुबरी तक, धुबरी से सादिया तक। यदि नदी की बात करें कौन सा है? नेशनल वाटर टू है नदी पे ये। कौन सी नदी की बात करें? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है, असम में है, सादिया से धुबरी तक या धुबरी से सादिया तक बना हुआ है। कौन सा? नेशनल वाटर टू। कितना किलोमीटर है? तो ये 891 किलोमीटर। कितना है? 891 किलोमीटर। कब बना था?
यदि इसका निर्माण कब हुआ था तो 1998 इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो कौन से है? तो धुबरी से सादिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी है, नेशनल हाईवे 2 है, 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और कब बना था? 1988 में बना था। ठीक है, 2 साल बाद इसका निर्माण हुआ था। यदि हम इनको नक्शे के रूप में समझते हैं, भारत में नक्शे के रूप में समझते थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, हम मिक्स देखेंगे, समुद्री और आंतरिक और बाह्य दोनों। यदि नक्शे से समझेंगे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो नक्शे के रूप में समझते हैं थोड़ा, तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, इतना ही नक्शा। ठीक है, तो हम देख रहे थे नेशनल वाटर जल परिवहन देख रहे थे। तो कहाँ से कहाँ तक पहला देखा हमने? इलाहाबाद जो यूपी में पड़ता है, गंगा नदी, भागीरथी और ओखली नदी पे आनंद है। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे है इलाहाबाद प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज, प्रयागराज। तो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल क्या है? हल्दिया है, हल्दिया स्थान है जो ओखली नदी पे किनारा बसा हुआ है। कहाँ है? हल्दिया। कहाँ है? हल्दिया। कौन सा वाटर है? नेशनल वाटर 1। कैसा है ये? कब बना था? 1986 में। कब बना था? 1986 में बना था। पूछे सन कितना किलोमीटर है? तो 1620 किलोमीटर। कितना है? 1620 किलोमीटर। कितना है? 1620 किलोमीटर, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर है। कहाँ से? प्रयागराज। प्रयागराज से हल्दिया तक, जो कहाँ पे? कलकत्ता में। तो यदि राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल। और ये कहाँ है? यूपी में। कौन सी नदी पे है? तो ये कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार नेशनल वाटर 2। नेशनल वाटर 2 की बात करें तो ये असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी निकली हुई है, ये गंगा नदी वाली है और ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम की बात करते हैं, यहाँ पे असम है, तो असम में है नेशनल वाटर 2 है। कौन सा है? नेशनल वाटर 2 है। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है सादिया से धुबरी तक। यहाँ पे सादिया है, सादिया है और धुबरी तक, सादिया से धुबरी तक है। कहाँ पे है? धुबरी, धुबरी। ठीक है, कौन सी नदी है? कौन सा नेशनल वाटर है? ये नेशनल वाटर 2 है। ठीक है, कब बना था? कभी सन पूछे, 1988 में बना था। कब बना था? 1988 में बना था। यदि किलोमीटर पूछे तो 891 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? सादिया से धुबरी तक। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ये हमारे नेशनल वाटर 2 हो गया है। अब तीसरी बात करते हैं हम, नेशनल वाटर केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में। यहाँ केरल हमारा स्थित है। तो कोटापुरम से, कोटापुरम कौन सा एक स्थान है? कोटापुरम से एक स्थान यहाँ पे है। ठीक है, कौन सा है? कोटापुरम केरल राज्य में स्थित है। नेशनल वाटर 3। ठीक है, कौन सा है? नेशनल वाटर 3। नेशनल वाटर 3 है कोटापुरम से कोलम तक। कहाँ पे? यहाँ पे कोलम स्थान है, कोलम स्थान है। और ये कैसा है?
ये कौन से थे? नदिये थे, नदी पे स्थित है, और ये समुद्री है, समुद्र में बना हुआ है, केरल के पास में ही है, ये थोड़ा दूर बता रहा हूँ। तो ये क्या है, केरल के पास स्थित है, कैसा है, समुद्री है, समुद्री पे बना हुआ है, सागरी है, मतलब जब समुद्री पे सागरी बात करें तो कैसा है, समुद्री है, सागरी है, कैसा है, कौन सा है, कोटापुरम से कोलम तक है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। कब बना था, कभी सन पूछे तो 1993 में बना था, कब बना था, 1993 में। कितना किलोमीटर, कभी किलोमीटर पूछे, 205 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 205 किलोमीटर का है, 205 किलोमीटर का है। यदि कब बना, तो 1993 में बना, कहाँ है, तो केरल में स्थित है। अब है यहाँ तमिलनाडु में, सॉरी, अब तमिलनाडु में स्थित है, गोदावरी से कृष्ण नदी के नदी में बना हुआ है, यहाँ पे स्थित है, ठीक है, कृष्ण सर गोदावरी नदी के तट पे बना हुआ है, कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, कृष्ण और गोदावरी नदी के डेल्टा बना हुआ है, ये नदी है, तो यहाँ पे एक स्थान है, और एक बना हुआ हमारा उड़ीसा में बना हुआ है, टोटल कितने हैं हमारे भारत में, नेशनल वाटर 6 है, ठीक है, 6 की बात करेंगे हम। तो पहला हमने देखा प्रयागराज से हल्दिया तक जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दूसरा देखा धुबरी से सादिया तक जो ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है, कितना किलोमीटर है, तो 891 किलोमीटर का है, और कब बना, तो 1988 में बना है, कौन सा वाटर है, तो नेशनल वाटर 2 है। और तीसरा बात करते हैं कोट्टापुरम से कोलम तक बना हुआ है, कौन सा है, कोलम, कहाँ है, केरल में स्थित, दोनों कैसा है, तो समुद्री और सागरी है, कब बना था, 1993 में, कितना किलोमीटर है, 205 किलोमीटर, कौन सा नेशनल वाटर है, तो नेशनल वाटर 3 है, ये कौन सा है, नेशनल वाटर तीसरा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु में कौन सा नेशनल वाटर है, तो नेशनल वाटर ओहर है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ आता है, मरकानम है, मरका मरकारम और काकीनाडा, मरकानम है, मरकानम और काकीनाडा पे बना हुआ है, ठीक है, कौन सा नेशनल वाटर 4 है, कितना किलोमीटर की बात करें, तो ये 1095 किलोमीटर है, इसकी लंबाई है टोटल, कहाँ पे है, तो गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदी पे बना हुआ है, कृष्णा और गोदावरी नदी भी है, ये नदी है। अब बात करते हैं उड़ीसा की, बात करते हैं, ठीक है, कहाँ पे है नेशनल वाटर 4, तो तमिलनाडु में स्थित है, काकीनाडा से मरकानम तक बना हुआ है, ठीक है। अब उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा में बना हुआ है तलचर से लेके पारादीप तक, कौन सा है, पारादीप स्थान है, ये कहाँ पे, उड़ीसा में है, कौन से हैं, उड़ीसा में, ये उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम। तो कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी, पारादीप से तलचर तक स्थित है, कौन सा नेशनल वाटर है, नेशनल वाटर 5, किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल वाटर 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से है, पारादीप से तलचर तक है, ठीक। अब ये बना कब था, ये दोनों का निर्माण हुआ था 2008 में, दोनों का निर्माण कब हुआ था, 2008 में हुआ था, कब बना था, तो 2008 में दोनों का निर्माण, नेशनल वाटर 4 और नेशनल वाटर 5 दोनों का निर्माण 2008 में ही हुआ था, ठीक है। और ये पारादीप और तलचर जो नेशनल वाटर 5 है वो कैसा है, समुद्री है, कैसा है, समुद्री है, ठीक है, कैसा है, समुद्री पे है। यदि भारत में बात करें नेशनल वाटर की बात करें, तो दो समुद्री है, कौन कौन से है, कोटापुरम वाला, केरल वाला और उड़ीसा वाला, जो दो है समुद्री है,
ठीक है, समुद्री या सागरी है, ठीक है। बाकी जो नदी है कौन कौन से, नेशनल वाटर 1, 2 और 4, ये कैसा है, नदी है। और एक बात करते हैं यहाँ पे है, असम की बात करते हैं, यहाँ पे असम में स्थित है एक नेशनल वाटर 6, कौन सा है, नेशनल वाटर 6, यहाँ पे नेशनल वाटर 6 है, कौन सा है, नेशनल वाटर 6। की बात करते हैं तो कौन सी नदी पे है, ये बराक नदी पे, जो किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, बराक नदी है, यहाँ पे नेशनल वाटर 6 है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये, तो ये है असम में है, भागा से लखीपुर से भागा तक, ये भागा यहाँ पे है, भागा से लखीपुर, कौन सा है, लखीपुर, कौन सा है, नेशनल वाटर 6 की बात कर रहे हैं हम, ये बराक नदी है, बराक नदी पे स्थित है। यदि कब बना था बोले, तो इसकी कब निर्माण बोले, अभी किलोमीटर बोले 221 किलोमीटर है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो 2013 में निर्माण हुआ। इसकी लंबाई कितनी है, 121 किलोमीटर। यदि इसका निर्माण कब हुआ था, 2013 में हुआ था। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल वाटर है, कैसा है, भारत का सबसे छोटा है, सबसे छोटा नेशनल वाटर है, ठीक है, कौन सा है, 6। कौन सी नदी पे है, बराक नदी पे है। ये हमारे नेशनल वाटर हो गए, कितने हैं नेशनल वाटर हमारे भारत में, तो 6 है। पहला है हमारा प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद से जो भागीरथी नदी है, गंगा नदी है और हुगली नदी, तीन नदियों पे बना हुआ है। तो पहला नेशनल वाटर सबसे बड़ा है, भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर है, 620 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। कब बना था, 1986 में बना था। तो कहाँ तक है, तो ये यूपी से लेके पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हल्दिया स्थान है जो हुगली नदी के तट पे स्थित है, उसी हुगली नदी के तट जो गंगा नदी की वितरिका है, ठीक है। अब नेशनल वाटर 2 की बात करते हैं, तो नेशनल वाटर 2 असम में स्थित है, जो भी एक नदी है, नदी पे बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटर 2 है, 1988 में बना था, ठीक। और यदि बात करें 1988 में, तो उसका वर्ग किलोमीटर तो 891 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, तो सादिया से धुबरी तक, कौन से, धुबरी से सादिया तक का बना हुआ है। नेशनल वाटर 3 की बात करते हैं, तो कोट्टापुरम से कोलम तक बना हुआ है, क्या है ये, कोलम, याद रखना कोलम, ठीक है, कोलम, कोलम है कहाँ पे, केरल में है। तो ये कैसा है, समुद्री है, समुद्र में बना हुआ है, ना कि नदी है। भारत में 3 यदि 4 बात करें तो नदी है और 2 समुद्री है या सागरी है। तो कोट्टापुरम से केरल में 205 किलोमीटर का है और 1993 में बना था, कौन सा नेशनल वाटर, 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसा है, समुद्री है, 1993 में बना था। अब पांचवी बात करते हैं, क्यों चौथी की बात करते हैं, नेशनल वाटर 4 काकीनाडा से मरकानम तक है, है ना, कहाँ है, मरकानम, मरकानम है, मरकानम या मरकानम होते हैं, नेशनल वाटर 4 काकीनाडा तक स्थित है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी पे बना हुआ है, ठीक है, कितना है, 1095 किलोमीटर का है। कब बना था, 2008 में, 2 का निर्माण हुआ था, एक पारादीप है जो उड़ीसा में स्थित है, और जो नेशनल वाटर 4 है कहाँ स्थित, तमिलनाडु में। तो पारादीप से तलचर तक है नेशनल वाटर 5, कब निर्माण हुआ था, तो 2008 में इनका दोनों का निर्माण हुआ था, ठीक है। यदि अब 6 की बात करते हैं, तो 6 है कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है, कहाँ पे है, असम में ही है, लखीपुर से भांगा तक है, कौन सी नदी पे है, बराक नदी पे, कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 121 किलोमीटर है। कब बना था, तो 2013 में बना था। ये कैसा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल वाटर है, कौन सा है, 6 है, ठीक है। ये हमारे परिवहन हो गए हैं, हमने पहले पढ़ा था सड़क परिवहन देखा, फिर वायु परिवहन देखा, फिर हमने रेल विभाग देखा, रेल के जन्मदाता कौन है, रेल परिवहन के जनक कौन है, तो लाडल जी की बात करी थी। अब वायु परिवहन की बात करी हमने, वायु परिवहन कौन कौन से हैं, तो वायु परिवहन भी बात करी, उसके बाद हम जल परिवहन देखे, ठीक है, तो जल परिवहन में कौन कौन से, इसके बारे में चर्चा करें। तो हमारे परिवहन हो गया है, अब हम बात करेंगे अलग दूसरा चैप्टर लेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू, जय हिंद।